अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं R110 पे खड़ा हुआ हूँ और इस वक्त हमारी शटरिंग खुली है। आज ये दूसरा दिन है, कल हमने इसकी भराई की थी मशीन से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली प्लेन जो है ये 6 इंची की है और ये वाली प्लेन जो है ये भी 6 इंची की है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो सीढ़ियाँ लग रही हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त सीढ़ियाँ जो है वो हमारी लगाई जा रही हैं। 10x10 का ये टैंक इस वक्त तैयार होकर आया, कम से कम 20 की जो है 6 फिट की, 6.5 फिट की इसकी हाइट निकल कर आई है व्यूअर्स। बहुत ज़बरदस्त इसमें कल गोले वगैरह बन जाएंगे, तो एक्चुअल इसका 6 फिट इसकी हाइट हो जाएगी और 10x10 का ये पूरा टैंक बनकर आ गया इस वक्त। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा काम और मेरे काम का मैार। ये आप देख सकते हैं ये 3.8 का सरिया, ये आप देखें मेरे सामने लगा हुआ इस वक्त 3.8 के जाल के साथ। ये माशाल्लाह से ये हमने इसको जो है बनाया है और बड़ा टैंक हमने बनाकर दिया है व्यूअर्स। और ये देखें आप 1-1 फिट की हमारी पेटियों की भराइयाँ देखें, आप काम देखें, आप काम का मैार देखें और फिर आप बताएं कि अफान भाई कैसे ठेकेदार हैं और कैसा काम करते हैं। जब आप आएंगे यहाँ पर ये JTC की दीवार पर, या मेरा बैनर भी देखेंगे अफान रियल इस्टेट मार्केटिंग के नाम से, इस वक्त मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि 1 फिट की पेटी है, 2 फिट के हमने जो है कॉलम दिए हैं। ये आप देखें 2 फिट के कॉलम दिए व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये भी आप देखें 2 फिट के कॉलम माशाल्लाह। उसके अंदर 20 इंची की रिंगों के साथ हर रिंग आपको लॉक मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से नीचे जो रिंग लगे हुए हैं वो भी सारे लॉक के अंदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डाउन टाउन रेजिडेंसी के अंदर रहते हुए मैं पहले यूट्यूबर बना, यूट्यूबर के बाद में रियलेटर बन, कॉन्ट्रैक्टर बना, कॉन्ट्रैक्टर के बाद में रियलेटर बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की अप्रिसिएशन और आप लोगों की दुआओं की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ये 13वां प्रोजेक्ट इस वक्त कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं पीछे वाली तीनों पेटियाँ इस वक्त जो हैं वो एक ही जान में है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था कि ये सब एक ही जान के अंदर ये पेटियाँ आप देखें फिट की पेटियों के साथ जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है इसकी भराइयाँ की हैं। अवामी नक्शे के ऊपर ये प्लॉट है, 13 कॉलम इसके अंदर टोटल दिए गए हैं और एज़ पर रिक्वायरमेंट सारा इस वक्त काम हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस वक्त इसका C2 खुलकर आया, ट्यूरिंग इसकी हो चुकी है 120 गज अवामी नक्शे का। ये प्लेन साइड इसकी बनी हुई है ऑलरेडी, यहाँ पर हम अपने इसका बीम घुमाएंगे और साथ में जो है ये C2 हमें चाहिए था, इस C2 के अंदर भी सारा जाल लगा हुआ है। और बल्कि हमने इस बार 3 लड़ियाँ इसके अंदर लंबे में लगाई हैं और बाकी हमने 2-2 फिट के फासले से हमने इसके अंदर रिंग बना के डाल दिए ताकि ये कहीं भी ना हिले, ना इसमें क्रैक पड़े, ना इसमें कुछ हो। तो इंशाल्लाह ताला ये ज़मीन बहुत अच्छी ज़मीन है, ग्राउंड प्लस 4 की ज़मीन है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। ये पीछे जो है इस वक्त ये स्कूल है, स्कूल की इमारत भी आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आप काम का मैार देख सकते हैं और इसका कलर देख सकते हैं। ये सारा जो है ये आप देख सकते हैं ये सारा स्कूल के ऊपर जो है ये छत की तरफ ये लोग जा रहे हैं, बॉटम छत के लग रहे हैं, कॉलम इसके खड़े हो चुके हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त इस वक्त मैं अपने प्लॉट के ऊपर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। मेरे सामने इस वक्त ये मेरा 13वां प्रोजेक्ट है और ये सारा काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये आप देखें पेटियाँ देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे पत्थरों की भराई करके जो है पेटी कितनी मोटी हमने इसकी बनाई है। ग्राउंड प्लस 4 भी अगर आप इसके ऊपर इमारत बनाना चाहेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि ये काम ऐसा मेरी काम कोई भी यहाँ पर नहीं करके देता है। तो व्यूवर्स ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं, बताता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आए, आप लोग देखें और जब भी आप लोग अपने काम करवाएं तो भले चाहे मेरी वीडियो का आप हवाला दें कि अफान भाई ने इस तरह से किया था आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको ठेकेदार जो है या घुमाएगा या बताएगा या आपको काम करके देगा इंशाल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों की रिकॉर्डेड के लिए अपने चैनल के ऊपर रखी हुई है, 950 वीडियो इस वक्त मेरे चैनल के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों की खातिर बनाई है ताकि आप लोगों की अवेयरनेस में इजाफा हो, कोई भी जो है वो जालसाज के आगे जो है वो अपने आप को ना फंसा मजबूर समझे, क्योंकि असल चीज़ यही होती है, असल काम यही होता है। ये आप देखें माशाल्लाह से काम देखें आप, काम का मैार देखें आप। तो व्यूवर्स ये सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ इसलिए ताकि आप लोगों की समझ में आए, आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से काम जो है वो स्टैंडर्ड का होता है, किस तरीके से मैारी काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फाउंडेशन, ये पेटियाँ किसी भी इंजीनियर को बुला लें और किसी भी माइकल लाल को बुला लें और बुलाकर आप ये दिखा दें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ वो ये बोलेगा भाई ये तो ग्राउंड प्लस 4 जाएगा, यहाँ तो आपको अप्रूवल ही ग्राउंड प्लस 1 और 2 की मिलेगी, इससे ज़्यादा तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, तो आपने इतना खर्चा क्यों किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं रेटों पर मैं काम कर रहा हूँ जितने रेटों पर आपसे लोग काम लेते हैं और आप लोगों के कामों के अंदर अपने पैसे बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम लेता भी हूँ और काम के अंदर पैसे भी मैं लगाता हूँ और साथ में मैं दिखाता भी हूँ। कोई भी ये नया काम लेगा पैसे ज़रूर लेगा लेकिन ना वो पैसे लगाएगा और फिर सबसे बड़ी बात ना वो दिखाएगा। तो ये आप देखें माशाल्लाह से काम देखें, काम का मैार देखें, 2-2 फिट के, 2.5-2.5 फिट के हमने ओवरलैप तक दे दिए हैं, यानी आप यूँ अंदाज़ा लगाएं कि 1.5 फिट के ओवरलैप देकर जो है वो ठेकेदार जो है वो आपसे पैसे ले लेते हैं और जो है फिर वो नज़र भी नहीं आते हैं। ये पेटियाँ, ये काम, ये बड़ा मैारी काम है सर, बड़ा खर्चा इसके अंदर हुआ है लेकिन इतना खर्चा भी नहीं हुआ है कि आप लोगों के बजट से ओवर हो जाए, लेकिन क्योंकि दिख रहा है तो बिकेगा और बिकेगा तो फिर लगेगा। तो मैं आपको ऊपर की तरफ से दिखाता हूँ इस वक्त, इसका थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ ताकि आपको नज़र आए।
व्यूवर्स, ये मेरे सामने इस वक्त ये स्कूल बना रहे हैं ठेकेदार माशाल्लाह से, और ये आप देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है। तो आपका अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले तो क्या नाम है बॉस आपका? अहमद नाम है। अहमद भाई, आपको कितना तजुर्बा हो गया काम करते हुए? कम से कम 20-25 साल के अंदर आपने कितने स्कूल, कितनी छतें, कितने घर, कितने बंगलो बनाए हैं माशाल्लाह। आप जिंदगी का बड़ा तजुर्बा रखते हैं, मुझे 2 साल भी नहीं हुए, यानी आपका मैं 10% भी नहीं हुआ हूँ अभी। तो मुझे ये बताएं कि ये काम आपको सामने इस वक्त पेटियाँ खुली हैं आज, कैसा दिखता है, क्या समझते हैं आप, ये कैसा मेयारी काम है? अच्छा काम है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई मसला, कोई मसाइल नहीं, बहुत अच्छा काम किया, अच्छी पेटियाँ भर गई, अच्छा बेसमेंट हो गया, टैंकी अच्छी भर गई। आप क्या समझते हैं इसके ऊपर ग्राउंड प्लस 4 अगर ये कल को जाएगा तो चला जाएगा? और सर लोग, ये तो आपने काम भी ऐसा किया, लोग खाली खड्डे लगा के 5-5 मंजिल लेके चले जाते हैं, इसमें तो ये जबरदस्त काम किया हुआ है। और टैंकी के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त टैंकी है आपकी, 10x10 की टैंकी बड़ी बनाई है, टैंकी है। चलें सही है, आप ये स्कूल बना रहे हैं? जी जी। ये कितने स्क्वायर यार्ड की जगह है ये? 300 फुट। 300 फिट के हिसाब से जी। तो 300 फिट के हिसाब से कितने कॉलम निकाले हैं आपने यहाँ पर? ये 22 कॉलम। 22 कॉलम है, और ये कितने फ्लोर जाएगी? ये 4। 4 फ्लोर तक जाएगी ये बिल्डिंग? तो ज़मीन से आप कितना नीचे गए? 8 फिट नीचे गए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका मेरे, आपने मुझे इंटरव्यू में आपने मेरे को हौसला अफजाई दी। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त हमारे साथ ठेकेदार थे माशाल्लाह, 20 साल से ही तजुर्बा है इनका। तो आपने इनके कमेंट सुने, अभी मालिक ने देखा भी नहीं है अपना फाउंडेशन किस तरीके से बनाया, मैंने पूरी कोशिश करी है ईमानदारी से काम करके दूँ और ऐसा फाउंडेशन बना के दूँ कि इंशाल्लाह ताला देखने वाले भी अश करें और रहने वाले भी कल को बेफिक्र होकर इसके ऊपर जो कुछ करना है खर्चा करें, ऐसा ही है ना भाई? तो चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूअर्स, यही सारी चीज़ें दिखाने का मकसद मेरा ये होता है, आप लोगों की अप्रिसिएशन, आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये ठेका पकड़ता हूँ और मैं ये काम करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए किसी नए नेहाद और बहरूपीय ठेकेदार से फंसने से पहले आप उसको ये ज़रूर मेरा फाउंडेशन दिखाएं, मेरा काम दिखाएं, और उसको बोलें मुझे इस पैसों के अंदर मुझे यही काम करके देना है। और आप उसको बोलें कि भाई ये देखें अफान भाई ने काम भी किया है और साथ में यही पैसों में काम किया है और इसी पैसों को बाकायदा दिखाया है। तो 10x10 के टैंक के साथ, 6 फिट की हाइट के साथ और 2-2 फिट के ओवरलैप के साथ, सारे रिंगों में लॉक के साथ और जो है वो सारी जाल और रिंगों के साथ और पेटियां 1-1 फिट की भराइयों के साथ, ये सारी चीज़ें जब आप उसको बोलेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपके काम के अंदर फिर वो डंडी नहीं मारेगा और आपको वो अच्छा काम करके देगा, कोई भी ठेकेदार हो। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी अप्रिसिएशन की, आपकी सब्सक्रिप्शन की, आपकी जो है वो शेयरिंग की, आपकी हर चीज़ की, कमेंट्स की मुझे ज़रूरत रहती है, मुझे सपोर्ट करें। मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को मज़ीद जब इसकी प्लेन डालूंगा, मैं जब प्लेन डलेगी 2 फिट की, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको पता लगेगा कि अफान भाई का काम की असल शक्ल क्या है, क्योंकि कल मैं इसकी बैकफिलिंग कर दूंगा। ये जितने भी आप पहाड़ देख रहे हैं, ये सारी मिट्टी देख रहे हैं, ये पत्थर देख रहे हैं, ये सारा कल मैं इसके अंदर बैकफिल कर दूंगा, क्योंकि मुझे बॉटम लगाना है। तो बॉटम में इस वक्त ये मिट्टी सब देख रहे हैं, ये पानी की वजह से नरम हुई हुई है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बॉटम नहीं लगा सकूंगा। तो इंशाल्लाह मैं इसकी बैकफिलिंग कर दूंगा, उसके बाद जब प्लेन घूमेगी वो प्लेन भी देखेगा, फिर आप अच करेंगे और बोलेंगे बाकी अफान भाई ने 8110 का काम किया है। तो ज़्यादा चाहता हूँ मैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।